नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि दिल्ली से लौटने के बाद सीधे अचानक राज्य बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश के जिलों में अति वर्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे स्थान जहां भी पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो वहां नागरिकों को नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में सभी सजग रहें, बांधों के गेट खुलने की स्थिति में सतर्क रहें। जो क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं वहां आवश्यक सावधानी रखी जाए, जन हानि ना हो ये ध्यान रखा जाए। कंट्रोल रूम में भी वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर उपस्थित रहें और जिलों में प्रशासनिक अधिकारी प्रबंध सुनिश्चित करते रहें। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बाढ़ नियंत्रण केंद्र कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली की जानकारी विस्तार से प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई दिल्ली से लौटकर सीधे स्टेट हैंगर से मध्यरात्रि बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य अचानक पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेना था और उन्हें संतोष है कि संबंधित अधिकारी और स्टाफ मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। मैं आज बाढ़ नियंत्रण केंद्र पे आया हूं और अभी मैंने समीक्षा की। मुझे ध्यान में आया कि बीते दिन 5 घटनाएं हुई थी, इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमने कहा कि ये घटनाओं में हमारी सतर्कता रहे, सजगता रहे और एक भी घटना न होने पाए। खास करके आप सबसे भी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो कम से कम उसको अवॉइड करें, ना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुल पुलिया बहुत सारे हैं, प्रशासन कोशिश करता है कि कोई ना जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो आपकी जान खतरे में, आपको बचना चाहिए। कुछ डैम के गेट खुलने वाले हैं कल, जैसे बर्बी के 7 गेट खुलेंगे, इसी प्रकार से और भी अलग अलग नदियों के गेट खुलने वाले हैं। जिला कलेक्टर से अपने यहाँ अलर्ट रखते हुए सबको प्रॉपर सूचना करें नीचे के स्तर पर, किसी को कष्ट नहीं हो जाए, इसके संबंध में भी निर्देश दिए। और कुल मिला करके हम सब जानते हैं कि ये महीना और अगला महीना वर्षा काल का सबसे चुनौती वाला समय रहता है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के वर्तमान के इस दौर में वर्षा होना ये भगवान की एक तरह से कृपा है, लेकिन वर्षा से कोई जनहानि नहीं हुई, दुर्घटना न घटे, इसकी सावधानी रखना भी ज़्यादा जरूरी है। और जल रचनाएँ तो काफ़ी बनी है, लेकिन जल रचनाओं से समय पर उनका प्रबंधन भौतिकी दृष्टि से जनहानि भी नहीं हो जाएगी। प्रबंधन करना सरकार का काम है, मुझे भरोसा है अधिकारी अलर्ट रहेंगे और खासकर जिला कलेक्टर SP और वरिष्ठ अधिकारी ये कंट्रोल रूम पे बैठ करके 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये काम करते रहे। इसलिए मैं अचानक उचक चेक इन के लिए आया था। मुझे संतोष है कि हमारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे। बैतवा, नर्मदा समेत जो बड़ी मध्य प्रदेश की नदियां, उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत दिनों कटनी में एक घटना सामने आई थी, उसको लेकर भी देखिए, पानी का तो खासकर वर्षा के काल में पानी का बढ़ना आना जाना ये अपनी जगह है, और डैम की भी अपनी क्षमता होती है। उस डैम की क्षमता में पानी को निकासी के लिए गेट खोलने ही पड़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के नीचे वाले डैम और उससे नीचे वाले डैम का लेवल मेंटेन करते हुए पानी से कोई जनहानि नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं घटे, यद्यपि ये बड़ा कौशल से किया जाने वाला काम है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ये सब चीज़ों की चेक भी कर रही है, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे लोग लगे हुए हैं, हम निश्चित रूप से इस सब के लिए जनता के प्रति जवाबदेही हमारी पूरी। अलर्ट किया गया है सभी जिला प्रशासन को? निश्चित रूप से अलर्ट तो किया ही है, तभी तो उचित निरीक्षण के बाद हमने कहा कि अपने अपने स्थान पर वो भी सब चेक करें और सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।